हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जेपीएससी का और एक कारनामा ये है कि एक अभ्यर्थी जिनका नियुक्ति तृतीय सिविल सेवा में हुई थी, लेकिन वरीयता क्रम में उसका जो है स्थान चतुर्थ सिविल सेवा के नियुक्त अभ्यर्थियों से भी नीचे हो गई। ये है जेपीएससी का कारनामा। पहले नियुक्त लेकिन बाद में जो नियुक्ति हुए उससे भी उनका वरीयता पीछे हो गया। बात एक्चुअली ये है कि 2010 में जब नियुक्ति हुई तो उनके साथ इनका भी नियुक्ति है, तो सबको नियुक्ति पत्र में 2010 कर दिया गया या 2010 का नियुक्ति पत्र दिया गया, लेकिन इनका नियुक्ति में 2013 का दिया गया। अब उन्हीं के अनुसार इन्होंने योगदान कर लिया। योगदान करने के बाद तो नया तो योगदान कर लिया, जो बाद में जब इनका वरीयता प्रभावित होने लगा कि उनके बाद वाले जो सिविल सेवा में बाद जो अभ्यर्थी सिलेक्शन हुआ है जिनका नियुक्ति उनसे भी पीछे हो वरीयता में, इसका जब नाम आ रहा है या उनका वरीयता में बहुत पीछे हो रही, तब लास्ट में इन्होंने हाईकोर्ट किया और हाईकोर्ट में इसका पक्ष में फैसला आया और हाईकोर्ट जेपीएससी को बोला कि संशोधित कीजिए, इसका वरीयता का निर्धारण कीजिए। जब एक ही साथ सबका बहाली, सब अन्य अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में अलग डेट और इसका वाला में अलग डेट, जबकि सब चीज़ एक साथ हुआ, तो ये देखिए जेपीएससी का कारनामा। तो चलिए देखते हैं एक एक करके डिटेल कि जेपीएससी क्या कारनामा किया है कि वरीयता सूची जो है बाद में नियुक्ति होने वालों से भी इनका पीछे हो गई। तो झारखंड हाईकोर्ट ने शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि जेपीएससी की गलती का खामियाजा अभ्यर्थी नहीं भुगत सकता, ऐसा मानना न्याय संगत नहीं होगा। इसके साथ ही जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने कर्रा की अंचलाधिकारी, देखिए अभी ये अंचलाधिकारी हैं, वंदना भारती की नियुक्ति वर्ष 2000 तय करते हुए सरकार को वरीयता सूची में सुधार कर नई सूची जारी करने का निर्देश दिया। वंदना भारती ने अपनी वरीयता को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। प्रार्थी की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता सौरव शेखर और अनुराग कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थी जेपीएससी संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा वर्ष 2010 में शामिल हुई थी। इनकी नियुक्ति डिप्टी कलेक्टर के पद पर 2013 में की गई थी। जब नियुक्ति पत्र दिया गया तो उनमें नियुक्ति की सिफारिश वर्ष 2010 के बदले वर्ष 2013 अंकित किया गया, जबकि उनके समकक्ष उम्मीदवारों की सिफारिश कि वर्ष 2010 की तिथि से की गई। मतलब एक ही साथ का बहाली है, तो सब जितना अभ्यर्थी उस साथ में जो परीक्षा दिए, जो सब प्रक्रिया साथ में हुआ, तो सबका डेट एक ही होना चाहिए। तो इनका 3 साल का अंतर हो गया और ऐसे ही इन्होंने योगदान भी कर लिया, सुधार भी नहीं किया। तो इनको सुधार करना चाहिए, जेपीएससी से गया भी होगा लेकिन जेपीएससी नहीं सुना होगा, तब इन्होंने योगदान ले लिया होगा, उस समय पता भी नहीं होगा कि वरीयता क्या होता है। अब जब इतना दिन सर्विस हो गया तो पता चला होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। जबकि उनके समकक्ष उम्मीदवारों की सिफारिश वर्ष 2010 की तिथि तय की गई। अदालत को बताया गया कि जेपीएससी की ओर से अंक गणना में चूक के कारण नियुक्ति की सिफारिश में विलम्ब हुआ। इतना ही नहीं, वरीयता सूची प्रार्थी का स्थान चतुर्थ सिविल सेवा के अभ्यर्थियों से भी नीचे रखा गया, समझिए। उसके बाद जो नियुक्ति हुआ वो लोग से भी नीचे वरीयता का निर्धारण, जैसे अभी देखिए प्राथमिक शिक्षकों की वरीयता निर्धारण में कितना दिक्कत हो रहा है कि 6 to 8 में जो सीधे आ गए वो ग्रेड 7 में जाएंगे, और वहाँ 25-30 साल से जो सर्विस किया वो बस उससे पीछे रहेगा, असिस्टेंट रहेगा उसका, वो हेडमास्टर रहेगा, यही होता है। तो दोस्तों, नए हैं तो मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जोहार झारखंड।